हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको बता देती हूँ, हम यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको इन वीडियोस में कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO एंड WHO की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड इनका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया है, सो आई होप इट हेल्प्स। एंड नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं ILO। ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे पढ़ेंगे कितने मेंबर स्टेट्स हैं, कब बनी, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, डायरेक्टर जनरल कौन है, जो कि हम नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ते हैं, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट चेकआउट करते हैं। सबसे पहले लिखा है द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN, राइट। इसका मतलब है कि सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस ने जो एजेंसी बनाई यानी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई वो थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, यानी कि सबसे पुरानी, तो वो है ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मेंबर स्टेट्स हैं, तो वो भी आपको याद रखना होता है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हम देख सकते हैं 187 मेंबर स्टेट्स। बट क्या होता है ना, जैसे कि हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं एंड टाइम टू टाइम कुछ कंट्रीज ज्वाइन करती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस को और कुछ कंट्रीज लीव करती हैं, राइट। तो वो भी आपको करंट अफेयर्स में चेक करते रहना है कि कौन सी, अगर कोई ऐड हो रही है, कोई ज्वाइन कर रही है, तो वो चेक करते रहना है। बट राइट नाउ 187 मेंबर स्टेट्स हैं ILO के, राइट। एंड इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 29 अक्टूबर 1919। ये बनी थी 29 अक्टूबर 1919 में, ठीक है। तो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन भी है ये वर्ल्ड की। नेक्स्ट कम्स हेडक्वार्टर, इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। अब जैसे कि मैंने बताया 50 to 60% ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर जेनेवा में ही हैं। इससे पहले हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स भी जेनेवा में ही थे एंड ILO के भी जेनेवा में ही हैं, राइट। नेक्स्ट है DG यानी डायरेक्टर जनरल कौन है इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो है गे राइडर। प्रोनंसिएशन आप देख लीजिएगा, गाय राइडर या गे राइडर, वो आप पे डिपेंड करता है, बट जस्ट याद रखिए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के DG कौन है। नेक्स्ट आता है इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, राइट। ये हमने इस टॉप पे ऑलरेडी पढ़ लिया है, फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, बट यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये भी UN की एक एजेंसी है, राइट। अब हम पढ़ेंगे इसका एम, इसका एम क्या है। इट्स एम इज़ टू एडवांस द सोशल जस्टिस एंड प्रमोट डिसेंट वर्क बाय सेटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। मतलब सामाजिक सुधार एक तरह से हम कह सकते हैं, या सामाजिक न्याय, राइट, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना, और एक मतलब अच्छे से सब लोग काम करें सोसाइटी के लिए, इस तरह से प्रमोट करना इन चीज़ों को, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेनटेन करके, राइट। सो नेक्स्ट आता है कि 1969 में ILO को नोबल पीस प्राइज दिया गया था फॉर इम्प्रूविंग फ्रेटर्निटी एंड पीस अमंग नेशंस। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, पीस मतलब शांति, तो इन दोनों चीज़ों के लिए नोबल पीस प्राइज दिया गया था 1969 में ILO को। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड ILO में आई डोंट थिंक इससे एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स कोई और क्वेश्चन बनता है। और आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे ही हम कुछ और, जैसे हम GS पढ़ते हैं, बट बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम कवर नहीं कर पाते हैं, और प्री में 3-4 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वहाँ से आ जाते हैं, तो वो बहुत लॉस हो जाता है क्योंकि हर एक नंबर की भी अपनी वैल्यू है। सो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, UPSC, SSC, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, या आप क्लर्क, असिस्टेंट, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें GS आता है, राइट, तो वहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका अपना ही सिग्निफिकेंस होता है, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।